35 के उम्र में किसी भी वजह से कम होने लगी है सेक्स ड्राइव, तो ये 7 चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा। चलो आइए इसके बारे में बात करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि 28-30 साल में समझो शादी हो जाती है, एक बच्चा 32 साल की उम्र में और 34 साल की उम्र में 35 साल की उम्र में दूसरा बच्चा होता है। अब होता क्या है कि 35-36 मतलब ये उम्र ऐसी है कि इसमें समझो सर्विस में है तो प्रमोशन चाहिए, काफ़ी सारे EMI भरना है, 2 बच्चे हुए हैं वो बड़े हो रहे हैं, अभी उनको स्कूलिंग का क्या करना क्या नहीं करना, मतलब अभी नर्सरी में डालना है पहला वाला बच्चा, दोनों हस्बैंड वाइफ बिजी है, दोनों भी काम कर रहे हैं तो बच्चों की तरफ कौन देखेगा, मतलब ऐसे काफ़ी सारे टेंशन रहते थे। बिजनेस मैन है तो अभी बिजनेस थोड़ा सा बढ़ रहा है उसके तरफ ख्याल देना है, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें रहते हैं। और फिर सेक्स ड्राइव के ऊपर कम ख्याल रहता है, मतलब सेक्स के ऊपर कम ख्याल रहता है, सेक्स ड्राइव कम हो जाती है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ 7 चीज़ें जो आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, मेंटली स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, और डेफिनेटली आपको सेक्स ड्राइव बढ़ाने में फ़ायदा होगा, इच्छा बढ़ाने में फ़ायदा होगा। तो नंबर एक है आंवला। आंवला मतलब विटामिन सी का भंडार है, स्टोर हाउस। आंवले जो है मतलब विटामिन से कोलेजन बनता है। आंवला आप रोज एक आंवला मतलब खा सकते हैं, रोज डेली 1, उसका अचार, जूस, मुरब्बा आप कैसे भी ले सकते हैं, विटामिन सी का भंडार है। विटामिन सी से चमड़ी ग्लो होती है, स्किन ग्लो हो जाती है, एनर्जी बहुत आती है, उत्साह ज़्यादा रहता है विटामिन सी से, और विटामिन सी जैसा पौष्टिक तत्व अपने शरीर को दूसरा है ही नहीं ऐसा मुझे लगता है, मतलब इतना पावरफुल विटामिन सी है कि जो रोज़ हमने लेना चाहिए करके। फिर नंबर 2 हो गया ग्रीन टी। ग्रीन टी यदि आप लेते हैं ना, ग्रीन टी से क्या होता है, ग्रीन टी में सेटेजिन, फ्री रेडिकल्स जो हमारे बॉडी में तैयार होते हैं, फ्री रेडिकल्स जो टॉक्सिन्स है एक्चुअली, उसको कैंसिल करने का, न्यूट्रलाइज करने का काम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यह ग्रीन टी करता है। तो ग्रीन टी आपने रोज एक बैग गर्म पानी में डुबा के लेना चाहिए, उसमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इसमें फ्री रेडिकल्स यदि कम होते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, तो इम्यून सिस्टम बढ़ेंगी, एनर्जी लेवल बढ़ेंगे और आपको सेक्स में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फिर नंबर 3 आते हैं फ्लेक्स सीड्स। फ्लेक्स सीड्स जो है वो अलसी के बीज बोला जाता है, इसकी तासीर गर्म होती है, इसमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने में फ़ायदेमंद है। 1 चम्मच अलसी के बीज आप रोज लेते हैं तो इससे टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाती है, मतलब सेक्स हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है, यौन इच्छा बढ़ जाती है, यौन शक्ति बढ़ जाती है। तो 3 नंबर पे आता है फ्लेक्स सीड्स। 4 नंबर जो है वो है जिंजर, अदरक। अदरक एक तो स्वाद बढ़ाने में, हमारे खाने में अदरक रहता है, स्वाद बढ़ाने में बहुत अच्छा है, लोग फ्राई करके लेते हैं, सब्जी में डालते हैं अदरक, चाय अदरक की बनती है, लोग रॉ अदरक भी खाते हैं या फ्राइड मतलब फ्राई करके लेते हैं। अदरक में ज़्यादा फाइबर है, वैसे उसके इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, मैंगनीज ये बहुत मात्रा में होता है, और अदरक से प्रजनन क्षमता बढ़ती है, तो अदरक कम से कम 4 ग्राम पर डे मिनिमम ये तो खाना ही खाना चाहिए। 5 नंबर पे आएगा रेजिन्स। रेजिन मतलब सूखे अंगूर। 5 रेजिन्स आपने रोज लेना चाहिए, वो आप पानी में भिगो के ले सकते हैं सवेरे या वैसे ही आप चबा के खा सकते हैं, और इसमें अर्जिनिन लेवल बढ़ती है रेजिन से, आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी में रेजिन्स फायदेमंद है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब कठोरता, लैंगिक कठोरता आने में फायदेमंद है, और लैंगिक इच्छा भी उससे बढ़ती है रेजिन्स। किशमिश। फिर नंबर 6 होता है बीट, बीट रूट्स। इसमें बीटालिन रहता है, ये बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स कैंसिल करने में फ़ायदेमंद है, इसमें एनर्जी लेवल बहुत बढ़ती है, ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर लोअर करने में कम करने में फ़ायदेमंद है, वजन कम होता है, आप फिट महसूस करेंगे। बीट से आपको एक तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ती है, इच्छा भी बढ़ जाती है, तो बीट आप जूस में ले सकते हैं, बीट जूस या सैलेड में ले सकते हैं, और यदि बीट कैरेट के साथ में लिया तो बहुत ही बढ़िया है, कैरेट का तो अलग ही मतलब रोल है उसमें, एनर्जी में और यौन क्षमता बढ़ाने में, तो बेटर कि बीट और कैरेट आप मिक्स करके लेते तो बहुत बढ़िया है। 7वां जो है वो है स्वीट पोटैटो।
स्वीट पोटैटो, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, मैंगनीज, विटामिन बी सिक्स। स्वीट पोटैटो जो है ना वो एंटी कैंसर एजेंट भी है, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, पाचन अच्छा करता है, तनाव कम करता है, और इससे ब्रेन बहुत रिलैक्स रहता है और आप एकदम रिलैक्स रह के अच्छा सेक्स कर पाओगे। क्योंकि सेक्स इरेक्शन का मेन प्रॉब्लम जो है, इरेक्शन का मेन कारण जो है वो कारण है टेंशन, स्ट्रेस, थक जाना। तो ये स्वीट पोटैटो से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और आपका आपकी पाचन संस्था भी अच्छी चलेगी, तनाव भी कम होगा और आपका बेस्ट आप परफॉर्म कर पाएंगे बेड के ऊपर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नंबर एक है आंवला, नंबर दो है ग्रीन टी, नंबर तीन है फ्लेक्स सीड्स, नंबर चार है जिंजर, नंबर पाँच रेजिन्स, नंबर छः बीट रूट, नंबर सात स्वीट पोटैटोस। अच्छा, इसके साथ में यदि आप वॉकिंग ऐड करते, ब्रिस्क वॉकिंग, फास्ट चलना, और रोज कम से कम 5 से 6 किलोमीटर आप चलते हो रोज, तो बहुत बढ़िया है। फास्ट वॉकिंग आपको बहुत फायदेमंद रहेगा, इससे आप फिट रहेंगे, वजन कंट्रोल में रहेगा, पेट नहीं बढ़ेगा, आपके आपका फिटनेस अच्छा रहेगा। तो ब्रिस्क वॉकिंग बहुत ही ज़रूरी है करना, उसमें फिटनेस में बहुत फ़र्क पड़ता है और सेक्स के ऊपर बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो इसके साथ साथ आपने ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए, फास्ट चलना चाहिए, और उसमें यदि आप 5 मिनट दौड़ते हो, दौड़ना एक्चुअली, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हार्ट रेट आपका यदि उसमें करीब करीब 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ता है, मतलब नॉर्मली समझो आपका हार्ट रेट 80 है और वो आप 5 मिनट दौड़ते हैं और उसमें वो 120 होता है, तो हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तंदुरुस्ती के लिए फ़ायदेमंद है, अपने बॉडी फिटनेस के लिए फ़ायदेमंद है और हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ब्रिस्क वॉकिंग, 5 मिनट रनिंग और बाकी ये चीज़ें लेते हैं, तो डेफिनेटली 35 की उम्र में जब आदमी बिजनेस एक्सपांड करने लगता है, एक्सपांशन मोड में रहता है, नौकरी कर रहा है तो प्रमोशन के ऊपर है कि भाई प्रमोशन लेना है, बॉस को खुश करना है, ज़्यादा काम करना है, हार्ड वर्क करना है, इधर बीवी काम की है, काम कर रही है, मतलब सर्विस में है, तो उसके टेंशन अलग है, घर में है तो और अलग टेंशन है। तो इसमें सब में इस तरह का यदि आप डाइट लेते हैं, इस तरह के खान पान में बदल लाते हैं, तो डेफिनेटली आपका सेक्स परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़ेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो। आज बहुत सारे लोग जो है ये 30 और 40 की उम्र में जो है मेरे पास में बहुत लोग आते रहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन करते रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि डिवोर्स तक बात आ चुकी है कि नहीं अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अभी डिवोर्स लेना है। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे डिवोर्स आप टाल सकेंगे। लोगों को शेयर करो वीडियो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।